हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक साहब जी में। तो दोस्तों, काफ़ी लंबे समय का वेट करने के बाद में फाइनली हाई स्कूल कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट और इंटरमीडिएट के कंपार्टमेंट के एप्लीकेशन फॉर्म वेबसाइट पर आ चुके हैं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कहाँ से आपको आवेदन करना है और कितनी फीस आपको सबमिट करनी है और क्या क्या प्रोसेस आपको करना है। तो वो सारी डिटेल मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो भाई प्लीज़ चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा परिषद की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in वेबसाइट को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर ग्रीन कलर में एक ऑप्शन दिखाई देता है जिसमें लिखा है वर्ष 2020 के हाई स्कूल कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट के लिए एवं इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट के लिए आवेदन, यहाँ से क्लिक करके आप कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, इसके बारे में काफ़ी सारी डिटेल हम जान लेते हैं। नीचे लिखा है दोस्तों विज्ञप्ति कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट इंटरमीडिएट, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में एक पीडीएफ फाइल ओपन हो जाती है दोस्तों। इसको ओपन करने के बाद में आपको सारी डिटेल इसके अंदर मिल जाती है। इसमें दोस्तों जो आवेदन करने की लास्ट डेट है वो 20 अगस्त तक आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, अभी डेट के एक्सटेंड होने का कुछ समय पता नहीं है, लेकिन फिलहाल जो 20 अगस्त इसकी लास्ट डेट रखी गई है। उसके बाद में दोस्तों हाई स्कूल के बारे में जान लेते हैं, यानी कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट के लिए। तो दोस्तों, ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी दो सब्जेक्ट में वो फेल हैं तो एज ए कंपार्टमेंट उसको भरते हैं। उसी के साथ दोस्तों, यदि आप एक सब्जेक्ट में फेल हैं तो आप एज ए इंप्रूवमेंट कैंडिडेट कहला जाते हैं। उसके बाद दोस्तों, इसकी जो फीस की बात करते हैं तो फीस इसकी 256.50 रुपये आपको फीस सबमिट करनी होती है। और दोस्तों, इसके लिए सिर्फ आप एक ही सब्जेक्ट में एग्जाम देना होता है। तो इसी तरीके से दोस्तों, अब बात करते हैं इंटरमीडिएट के संबंध में। इंटरमीडिएट मान लीजिए दोस्तों आप एक सब्जेक्ट में फेल हैं तो आप एज ए कंपार्टमेंट आप स्टूडेंट कहलाए जाएंगे और ओनली एक प्रश्न पत्र। इसी तरीके से दोस्तों व्यवसायिक कैंडिडेट हैं तो आपके पास ओनली एक प्रश्न पत्र में आप दे सकते हैं, यानी सिर्फ एक प्रश्न पत्र कोई सा भी आपका उसमें एग्जाम आप दे सकते हैं। और फीस इसकी जो निर्धारित फीस है, बात करते हैं फीस की। इंटरमीडिएट के लिए आपको 306 रुपये आपको पे करनी होती है। तो दोस्तों, अब हमने बात कर ली हाई स्कूल की फीस की और इंटर की फीस की। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, इंटरमीडिएट में ओनली आप सिर्फ कंपार्टमेंट आवेदन कर सकते हैं, यानी सिर्फ आप सिंगल विषय में आप फेल हैं तो आप कंपार्टमेंट में आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कैसे आप आवेदन करेंगे। दोस्तों देखिए, आवेदन करने के लिए इसका जो आवेदन करेंगे वो स्कूल के माध्यम से आवेदन होगा, यानी स्टूडेंट्स को स्कूल से संपर्क करना होगा। और दोस्तों, अब बात करते हैं किस तरीके से कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट की फीस जमा होगी। तो दोस्तों, प्रधानाचार्य द्वारा स्टूडेंट से फीस ली जाएगी, उसके बाद में प्रधानाचार्य के द्वारा वो उस फीस को चालान के माध्यम से, यानी प्रत्येक स्टूडेंट्स की अलग अलग चालान के माध्यम से जमा कराई जाएगी, जिस चालान पर प्रधानाचार्य द्वारा स्टूडेंट्स का रोल नंबर और उसके विषय जो कंपार्टमेंट विषय हैं वो उसको मेंशन करेंगे, उसके बाद में कोषागार में जमा करना है। और साथ ही साथ दोस्तों, आपको एक प्रार्थना पत्र जो कि प्रधानाचार्य के नाम आपको लिखना है, जिसमें आपको अपनी कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट की डिटेल आपको मेंशन करनी है। और साथ ही साथ आपको एक अंक पत्र की यानी रिजल्ट की छाया प्रति भी लगा करके अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य से संपर्क करना है और प्रधानाचार्य द्वारा आपका आवेदन ऑनलाइन कराया जाता है। दोस्तों, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, यदि कोई इंप्रूवमेंट में कंपार्टमेंट विषय में प्रैक्टिकल विषय में यदि कोई स्टूडेंट फेल है तो उसकी जो डेट्स हैं कब एग्जाम होगा उसके बाद में वेबसाइट पर दी जाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं किस तरीके से आपको आवेदन करना है। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों, इस विद्यालय के माध्यम से ही आपका आवेदन कराया जाएगा। उसके बाद यहाँ विद्यालय अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड के द्वारा यहाँ लॉगिन करेंगे। यहाँ लॉगिन करने के बाद में दोस्तों, पहले हम लॉगिन कर लेते हैं, कुछ कैप्चा कोड डाला जाएगा, उसके बाद में लॉगिन करेंगे। दोस्तों, लॉगिन करने के बाद में कुछ इस तरीके से पेज ओपन होता है। दोस्तों, यहाँ से यदि आपको हाई स्कूल कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट के लिए आवेदन यहाँ से करेंगे, उसी के साथ दोस्तों यदि आपको ट्वेल्थ में कंपार्टमेंट करना है तो यहाँ से क्लिक करके आप आवेदन करेंगे। और दोस्तों यदि और दूसरा दोस्तों, यहाँ पर नीचे आकर के आपको चालान की जानकारी देनी है जो कि आपने जमा कर चुके हैं। दोस्तों, सबसे पहले अब बात करते हैं किस तरीके से आपको आवेदन करना है। तो दोस्तों, आप जानते हैं यदि हमें हाई स्कूल कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट का आवेदन करना है तो हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में एक फॉर्म ओपन हो जाता है। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हमें रोल नंबर, सिर्फ ओनली रोल नंबर मेंशन करना है। उसके बाद गेट डाटा स्टूडेंट डाटा पर क्लिक करेंगे। यहाँ रोल नंबर पहले मेंशन कर देते हैं। रोल नंबर मेंशन करने में तो गेट स्टूडेंट डाटा क्लिक करने के बाद ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट का डिटेल आ जाती है और जिस सब्जेक्ट में ये कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट है वो सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली आ जाता है। दोस्तों, नीचे आकर हमें कैप्चा कोड को फीड करना होता है। कैप्चा कोड को फीड करने के बाद में नीचे आकर के दोस्तों हमें सेव कंपार्टमेंट करना होता है। उसके बाद में व्यू कंपार्टमेंट लिस्ट आ जाती है, यानी जो स्टूडेंट की फीड हमने किया गया तो यहाँ आती है। उसी के साथ दोस्तों, अब हमें डिटेल आती है, हमें डिटेल देनी होती है दोस्तों चालान की। यहाँ चालान की डिटेल हम नीचे आकर के चालान की डिटेल देंगे, यानी जिस भी चाहे स्कूल या इंटरमीडिएट जो भी कंपार्टमेंट का डिटेल थी, अपने यहाँ चालान की डिटेल पूरी देने के बाद में हमारा जो कंपार्टमेंट फॉर्म है वो सक्सेसफुल हो जाता है। उसी तरीके दोस्तों, यदि हम इंटर में चाहते हैं करना तो इंटर पर यहाँ क्लिक करने के बाद सेम ऐसी प्रोसेस से उसको कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।